देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड वन सेंटीमीटर इज इक्वल क्यूब तो वन सेंटीमीटर इंटू वन सेंटीमीटर इंटू वन सेंटीमीटर हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब अब वन सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो टेन एच टू माइनस टू तो टेन एच टू माइनस टू का क्यूब करोगे आंसर क्या आएगा ये तो क्या पूछने वाली बात थी बट है फिर भी यूनिट कन्वर्जेंस पे न्यूमेरिकल है किसके ऊपर यूनिट कन्वर्जेंस सेंटीमीटर टू मीटर द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस टू सेंटीमीटर एंड हाइट इज हाउ मच सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच एम एम स्क्टर तो मैथमेटिक्स का न्यूमेरिकल लगेगा टेंथ का मैथमेटिक्स एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर याद आ रहा है स्ट्रेट बैठो एकदम और स्ट्रेट हो सकते हो हा बस अब सही है तो दैट इज हाउ मच रेडियस हाउ मच सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर आपको किसमें फाइन करना है एम mm, एम तो टू इंटू टेन एम एम वाट एड ना और हाइट हाउ मच सेंटीमीटर तो एम mm में कन्वर्ट कर दो टेन टू टेन तो दिस विल बी अ ट्वेंटी और दिस विल बी अ हंड्रेड अगर पहले से लिखना है तो ट्वेंटी सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू पाई आर इन द ब्रैकेट आर प्लस एच टू पाई आर स्क्वायर प्लस टू पाई आर एच पता है ना कर सर्फेस एरिया टू पाई आर एच एंड दैट इज टू पाई आर स्क्वायर तो टू पाई आर कॉमन निकाल लेंगे यस और नो तो टू पाई का वैल्यू आर का वैल्यू आर का वैल्यू डायरेक्टली ट्वेंटी रखना चाहते हो कोई इशू नहीं है समझ में तो इतना आंसर आएगा वन फाइव जीरो सेवन टू कैल से एक चेक किया टेन रुपीज भव्य के थे बाकी सबके पास है ना यस और नो ओके तुमने जो स्विच चालू किया धीरे धीरे बंद करके स्ट्रॉ हो गया है ना सो so, एक दो तीन चार पॉइंट आगे जाएंगे टेन टू कितना हो जाएगा फोर कितना हो जाएगा फोर टेन टू फोर मीटर स्क्वायर स्क्वायर सॉरी आया समझ में चलो नेक्स्ट अ व्हीकल मूविंग विद द स्पीड ऑफ एटीन किलोमीटर पर आवर्स कवर हाउ मच डिस्टेंस हाउ मच मीटर इन अ वन सेकेंड तो स्पीड दिया है यस और नो नाइन्थ कैन न्यूमेरिकल है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपन टाइम तो डिस्टेंस इक्व टू स्पीड इन टू टाइम ओके तो पहले तो बट पहले मुझे क्या करना पड़ेगा वी को किलोमीटर पर आवर्स में से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड तो आई हैव टू हैल्टीप्लाई विथ था कट एटीन टू सा थर्टी सिक्स टू से कितना हो जाएगा फाइव बट मैं भूल गया कि आप लोग के पास कैलसी होता है तो आप तो कैलसी में ही करोगे दबा दब फाइव मीटर पर सेकेंड आया कि नहीं आया अब मुझे वी इन टू टी करना है ना आपको पता है ना वी इक्व टू एक्स बाय T, तो मैं एक्स इक्वे टू तो क्या लिखूंगा वी इंटू टी तो वी आ गया फाइव मीटर पर सेकेंड इसको मीटर में मीटर में चाहिए था ना आपको और ये टाइम दिया था सेकंड में इसलिए किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट किया तो इस चैप्टर का नाम था यूनिट्स एंड मेजरमेंट इसलिए पहला क्वेश्चन यूनिट यूनिट चेंज चेंज पे फोकस दे कैसे करते हैं बात समझ में आया तो फाइव इंटू वन हाउ मच मीटर फाइव मीटर बोलो कोई डाउट कंफर्म रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड लेड पता है ना लेड इज द एलिमेंट जिसका सिंबल क्या है जो आपने 9th में पढ़ा था ऑफ सब्सटेंस डिड बाई डेंसिटी ऑफ वॉटर उसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी क्या बोलते हैं जब किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को वॉटर की डेंसिटी से डिवाइड कर लेते हैं आपको कौन सा डेंसिटी मिलेगा रिलेटिव इसलिए डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस यानी कि लेड चाहिए तो मुझे वाटर की डेंसिटी से रिलेटिव डेंसिटी को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई ये उधर चला जाएगा ना मल्टीप्लीकेशन में तो चलो रिलेटिव डेंसिटी हाउ मच इलेवन डेंसिटी ऑफ वाटर मानो की ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लूंगा तो मुझे आंसर भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा इलेवन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आया समझ में तो ये पहला ब्लैंक मिल गया दूसरे ब्लैंक में मुझे किसमें बताना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो अगर मुझे ग्राम में से किस में कन्वर्ट करना है किलोग्राम तो मैंने एक रूल सिखाया हुआ है क्या छोटे में से अगर बड़े में जाते हैं तो डिवाइड करना है या पावर में माइनस लेना है क्या लेना है माइनस और बड़े में से में से छोटे जाते तो मल्टीप्लाई करना है या पावर हो तो प्लस लेना है बराबर अब मानो कि अगर मुझे ग्राम में से किलोग्राम में जाना है तो मुझे थाउजेंड से डिवाइड करना है मैं अगर थाउजेंड लिखना चाहता हूं तो नीचे लिखूंगा अगर मैं टेन के पावर में लिख रहा हूं तो टेन का पावर थ्री होता है थाउजेंड लेकिन उसका पावर कैसा लूंगा मैं नेगेटिव कब जब मैं बड़े में से कहा जा रहा हूं माई मिस्टेक छोटे यूनिट में से कहा जा रहा हूं बड़े यूनिट में हाँ अगर मैं बड़े यूनिट में से छोटे यूनिट में में जाता मैं किलोग्राम को ग्राम लिखता तो टेन एस टू थ्री पॉजिटिव पावर मैं ग्राम को किलोग्राम में लिख रहा हूं तो टेन एस टू माइनस थ्री नेगेटिव पावर छोटे यूनिट में से बड़े यूनिट में तो नेगेटिव पावर बात क्लियर हुई ओके तो नाउ यहां पे ध्यान दीजिए दूसरा सेंटीमीटर क्यूब है कौन सा है सेंटीमीटर क्यूब तो सेंटीमीटर टू मुझे किसमें जाना है मीटर में जाना है तो सेंटीमीटर टू सिर्फ सिर्फ सेंटीमीटर टू मीटर में जाना हो ना तो टेनरेस टू क्या माइनस टू लेकिन यहाँ पे तो सेंटीमीटर का क्यूब है तो टेनरेस टू माइनस टू का क्यूब हो जाएगा तो कितना पावर हो कितना पावर होगा टेनरेस टू माइनस टू का क्यूब अगर हो जाता है तो हाउ मच पावर आएगा कि नहीं इसलिए ये सेंटीमीटर पर क्यूब था ना मतलब ये डिनोमिनेटर में था इसलिए डिनोमिनेटर में ही क्या आएगा माइनस सिक्स पावर आया समझ में बात क्लियर हुई तो माइनस सिक्स ऊपर चला जाएगा प्लस सिक्स प्लस सिक्स में से थ्री जाएगा ऑलरेडी वहां पे माइनस थ्री था तो थ्री एक पॉइंट आगे चला जाऊंगा तो टेन रिश टू फोर किलोग्राम पर मीटर क्यूब बोलो कोई डाउट हो तो बताओ कन्फर्म ना ओके फिल द ब्लैंक्स विद द सुबल कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट्स वन किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर उसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर कुछ नहीं करना है सिंपल सा देखते जाओ वन का सबसे पहले में रख दिया वन। अब छोटे में से बड़े में बड़े में से छोटे यानी कि पॉजिटिव पावर तो टू थ्री पावर आया समझ में आया ना मीटर टू सेंटीमीटर बड़े में से छोटे में जा रहे हैं छोटे में से बड़े बड़े में से छोटे यानी विच पावर पॉजिटिव मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन क्या है हंड्रेड वाला हंड्रेड सेंटीमीटर इक्वल्स टू मीटर तो हंड्रेड में कितना पावर आता है 2, तो पॉजिटिव 2 पावर दिख रहा है है और सेकंड सेकंड टू तो कोई चेंज करना नहीं है अब टेन का थ्री आ गया टेन का थ्री बट इस यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर था ना यहाँ से मीटर स्क्वायर था तो ये स्क्वायर हो जाएगा तो टेन का टू पावर का टू पावर हाउ मच पावर दोनों मिला के क्या हो गए सेवन ओके किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है ना वो वर्क एनर्जी वर्क या तो फिर एनर्जी का यूनिट है और वर्क और एनर्जी के इस यूनिट को जूल बोलते हैं ऐसा है में क्या बोलते हैं जुल वन जुल्स टू सीजीएस उसमें कितना हो जाएगा टेन एस टू सेवन क्या हो जाएगा टेन एस टू सेवन जिसको सीजीएस में अर्ग बोलते हैं कौन सा यूनिट बोलते हैं अर्ग ए आर जी अर्ग और यहाँ पे जूल तो आया समझ में वन जुलवल्स टू टेन एस टू सेवन अर्ग

तो आपको आंसर क्या मिल रहा है बताओ जीरो पॉइंट सेवन मिल रहा है 10 15 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस सिक्सटीन रिमेंबर दिस थिंग अभी ट्वेल्थ में एक बच्चे ने पूछ लिया था कि टेन का पावर कैलसी में कहा लिखो ओके okay? तो रिमेंबर दिस थिंग आप सिर्फ नंबर नंबर्स को हैंडल uh, कर सकते हो थ्रू द कैलसी पावर को पावर को अपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से आपको लेके जाना है जैसे कि 10 15 पावर ऊपर गया तो माइनस फिफ्टीन मैंने वो भी रूल दिया है कि अगर आप कितना हो गया है? आया समझ में हया हाँ ना सी में आपको क्या पूछा है थ्री मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकंड मच किलोमीटर पर आवर स्क्वायर तो सबसे पहले थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लिया थ्री का थ्री लिखा अब देखो सिंपल सा है एक एक को लिख के जाओ मीटर टू किसमें जाना है किलोमीटर बोलो छोटे से बड़े या बड़े से छोटा छोटे से बड़ा मतलब विच पावर नेगेटिव है ना वैसे देखना बाद में है, पहले बोलना है और फिर देखना है है ना पहले देखना है फिर बोलना है ऐसा नहीं है पहले बोलना है फिर देखना है के साथ तो नेगेटिव पावर आया माइनस थ्री यस और नो ओके अब सेकंड टू किसमें जाना है अवर बट इसमें रिलेशन थोड़ा वो पावर वाला नहीं है

तो थ्री सिक्स डबल जीरो का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो थ्री इंटू टेन एस टू माइनस थ्री इंटू थ्री सिक्स डबल जीरो स्क्वायर और यूनिटें बन गया किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो जब आप थ्री सिक्स इन टू थ्री सिक्स इंटू थ्री कितना आंसर आ रहा है थ्री एट 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 जीरो जीरो चार जीरो है ना ओके और इन टू टेनरेज टू माइनस क्या बचा था तो टू माइनस की वजह से एक दो और तीन जीरो कट हो जाएंगे तो आ गया आंसर और इसको मैं एक दो तीन चार पॉइंट आगे लेके जाता हूं तो थ्री पॉइंट एट एट क्रॉस टेनरे बट ऐसा ना करना हो मैं अगर पहले से पांच देखो एक, चार, एक दो तीन तीन जीरो कट किए थे ना चार पांच छ सात में कितना पॉइंट आगे गया सेवन ना तो ऑलरेडी माइनस थ्री पावर था

सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर एंड ग्राम इनवर्स ओके वैसे एक किलोग्राम स्क्वायर है ना ओके okay, चलेगा वो सही है क्यों सही है मैं बताता हूं आपको कंफ्यूज कर दिया गया है जैसे आप पे किलोग्राम का स्क्वायर है तो वहां पे मुझे क्या लगा ग्राम का स्क्वायर आना चाहिए हा या ना बट नहीं आएगा क्योंकि मैंने फिर न्यूटन पे ध्यान दिया न्यूटन न्यूटन जो है ना इट न्यूटन जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है न्यूटन इट उसके अलावा क्या दिया गया है मीटर स्क्वायर और नीचे क्या दिया गया है किलोग्राम स्क्वायर बात समझ में आया तो एक किलोग्राम एक एक क्या हो जाएगा कट इसलिए किलोग्राम का वैसे पे भले दो पावर बताया गया है है कितना पावर बचने वाला है? वन. इसलिए देखो पे सेकेंड का कितना पावर बचेगा माइनस टू हा, हाँ यहाँ पे मीटर का तीन पावर होगा जो यहाँ पे गलत है कितना पावर होना चाहिए थ्री पावर कितना होना चाहिए थ्री सेंटीमीटर का थ्री पावर होना चाहिए लेट देख लेते हैं इसको

सेकेंड का कितना पावर होगा माइनस टू अब ये पूरा एसआई में आ गया मीटर सेकंड एंड किलोग्राम एसआई में आ गया कि नहीं आ गया नाउ यू कैन चेंज द यूनिट्स पहले तो वैल्यू तो रख दोगे अब मीटर को मुझे किसमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर बोलो बड़े से छोटा छोटे से बड़ा बड़े से छोटा ना बड़े से छोटा तो टू पॉजिटिव पावर दिख रहा है टू इसका कितना पावर था तो ब्रैकेट के पावर कितना पावर थ्री सेकंड का माइनस टू पावर एज इट इज आया ना किलोग्राम टू ग्राम तो में जाना है बड़े से छोटा छोटे से बड़ा बड़े से छोटा बीच पावर पॉजिटिव किलोग्राम टू ग्राम तो में कितना पावर आता है 10 का 3000 ग्राम इक्वल्स टू 1 किलोग्राम है या ना तो 10 रे टू 3 आ गया लेकिन उसका कितना पावर था तो यहाँ पे भी माइनस मत बात क्लियर हुई एज इट इज इसको लिख दिया 2 का 3 पावर हाउ मच पावर 6 3 का -1 पावर हाउ मच पावर -3 चलो अब सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन माइनस इलेवन प्लस सिक्स माइनस टू माइनस थ्री तो देखो पहले तो ए माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव सिक्स में से फाइव जाएगा वन और माइनस इलेवन प्लस कई गलती है ना ओके मैंने गल, ओके सॉरी माय मिस्टेक मुझे लगा ही मैंने कुछ गलत किया सेकंड का पावर नहीं गिनना था ना मुझे तो टेन का पावर गिनना था सिक्स सॉरे थ्री सिक्स में से थ्री जाएगा थ्री और माइनस इलेवन प्लस थ्री हाउ मच माइनस एट बात क्लियर हो गई ना ओके नाउ अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट एनर्जी देखो एनर्जी जो होता है ना वर्क जो होता है उनका ऐसा यूनिट है जूल कौन सा है जूल लेकिन अगर हम फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करें और खास करके हम हीट एनर्जी की बात करें तो हीट एनर्जी को हम जूल में नहीं मेजर करते प्रैक्टिकल यूनिट उसका कैलोरी होता है क्या होता है कैलोरी आपने बॉडी के लिए भी एनर्जी के लिए कैलोरी यूज किया होगा यस और नो तो कैलोरी इज यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी एंड इट इज इक्वल टू हाउ मच जूल 4.2 जूल वन सिस्टम ऑफ मास हम एक नया सिस्टम बना रहे जिसमें हम मान रहे हैं कि मास का यूनिट जो है वो कितना किलोग्राम है अल्फा यूनिट ऑफ लेंथ जो है वो कितना मीटर है बीटा एंड टाइम्स है वो हाउ मच मीटर घामा सॉरी मास्टेक हाउमच सेकेंड घामा सेकंड सो दैलरी यूनिट ऑफ फोर पॉइंट टू अल्फा रिश टू माइनस वन बिटा रिश्तू माइनस टू एंड घामा रिश्तों आपको बताना है ऐसा कुछ है इन द विच यूनिट न्यू यूनिट तो सिंपल सा है कि मेरे पास पहले से रिलेशन है शायद दे, दे और ना भी दे क्योंकि यहाँ पे तो बताया गया है वैसे वो स्किप कर ले तो आपको याद रहना चाहिए कि वन कैलर इक्वेस्ट टू हाउम जून फोर पॉइंट टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हीट एनर्जी हमें डायमेंशनल फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं एनर्जी हो वर्क हो क्या फॉर्मूला सिखाया था मैंने एम वन एल टू टी माइनस टू एम वन एल वन टी माइनस टू किसका है फोर्स एल वन हो तो फोर्स का एम वन एल टू टी माइनस टू हो तो एनर्जी एंड वर्क का बात क्लियर हुई अब दो सिस्टम है हमारे पास एक एमके एस और दूसरा न्यू सिस्टम में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पता है कितनी है फोर पॉइंट टू जूल वन कैलरी का कितना वैल्यू है एमके एस सिस्टम में एमके एस यानी ऐसा ही हो गया गॉडी फोर पॉइंट टू जूल बट नए सिस्टम में कितना वैल्यू है पता नहीं वही तो फाइन करना है दूसरी बात यहाँ पे मास्क जो है वो कितना किलोग्राम लिया था एम एस में वन किलोग्राम लेते हैं यूनिट मास्क को वहां पे कितना लेने को बोला है अल्फा यहाँ पे लेंथ को कितना लेते हैं वन मीटर यहाँ पे बीटा लेने को बोला है और यहाँ पे टाइम को क्या लेते हैं वन सेकेंड वहां पे कितना सेकेंड लेने को बोला है अब आपको पता है कि मैं अगर डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं तो पहले एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा आइए ना फिर उसके एम एल डी फॉर्मूला एम वन एल टू टी माइनस टू ओके तो एम वन ओके सॉरी मिस्टेक उन्होंने सही लिखा था मैं गलत समझा रहा था यहाँ पे ए फर्स्ट वाला है एम वन एल एम वन एल टू टी माइनस टू नीचे टी वन एल वन एम वन फॉर फिच सिस्टम एम के सिस्टम तो वही एमके एस सिस्टम का वैल्यू यहाँ पे आएगा मतलब की दिस एन वन इक्वल टू फोर पॉइंट टू एम के लेकिन न्यू सिस्टम में वापस डायमेंशनल फॉर्मुला तो सेम ही रहेगा ना क्योंकि क्वांटिटी चेंज हो रही नहीं है तो एम वन एल टू टी माइनस टू डायमेंशनल फॉर्मूला रिमेन सेम बट सेकेंड सिस्टम के लिए हमने टू 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 लगाया हुआ है आया ना और उसका वैल्यू कितना है एन टू वो वैल्यू हमें फाइंड करना है तो हम नीचे ले जाएंगे तो ए एम वन है और ए एम टू है तो एम वन और एम टू दोनों का पावर वन आ गया फिर यहाँ पे एल वन का पावर टू है यहाँ पे एल टू का पावर टू एल टू नीचे चला जाएगा एल वन और एल टू उसका पावर क्या आ गया टू आ गया ओके ए टी टू है और ए टी वन है दोनों का पावर माइनस टू है तो ए टू टू नीचे चला जा जाएगा तो टी वन अपन टी टू माइनस टू हो गया है ना अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूं एम वन का तो वन किलोग्राम और इसमें पुट करू तो अल्फा किलोग्राम 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 कैंसिल हो जाएगा वन अपन अल्फा लाइकवाइज वन अपन बीटा लाइकवाइज वन अपन अल्फा का वन पावर अल्फा ऊपर चला जाएगा तो अल्फा का कितना पावर बचेगा बेटा ऊपर चला जाएगा तो उसका माइनस पावर हो जाएगा और ए माइनस था वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा एंड दैट्स एन वन का वैल्यू रख दे हम फोर पॉइंट टू अल्फा माइनस वन बेटा माइनस टू एन गामा टू आए समझ में सबसे ज्यादा लोग गलती क्या कर लेते हैं यहाँ पे टाइम में क्या दिख रहा है माइनस टू ना लोग ऐसा डायरेक्ट सोचते हैं मतलब पीपल और ऑल्स हमारे स्टूडेंट हमारे जैसे या मेरे जैसे डायरेक्ट ऐसा सोचते हैं कि भाई यहाँ पे टी गामा है गामा का माइनस टू पावर खास करके एमसीक्यू में हो ना तब फिर यहाँ पे एल टू है एल टू एल लेंथ में क्या आया बीटा चलो बीटा का टू पावर यहाँ पे अल्फा किलोग्राम है तो अल्फा का कितना पावर वन आगे रख लो फोर पॉइंट टू बटे रॉन्ग सीधे एम एल टी वाले पावर नहीं आएंगे क्योंकि वो डिनोमिनेटर में जा रहा है ना इसीलिए वो पावर देखो अपोजिट हो जा रहे है वन क्या कितना हो गया बीटा का कितना हो गया गामा का क्या हो गया टू आया समझ में तो इसीलिए कैलकुलेट करना है नहीं कि डायरेक्ट आंसर देना है बात समझ में आई ना यस और नो ओके एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली टू कॉल द डायमेंशनल क्वांटिटी टू कॉल अ डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इट्स मीनिंग इज अ मीनिंगलेस विथ आउट स्पेसिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर कंपेरिजन इन व्यू ऑफ दिस रिफ्रेम द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेयर एवर द नेसेसरी उसमें सबसे पहला है एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट

जेट प्लैन मूव वेरी ग्रेट विद्रेट स्पीड लेकिन स्पीड ऑफ जेट प्लेन इज मच मोर देन दर्ट स्पीड ऑफ को एक रेफरेंस तो देना पड़ेगा ना तो आपको बोला था कि रेफरेंस नहीं है तो आपको अपने अकॉर्डिंगली एड करना है ऐसा क्वेश्चन हमें बताया गया था इन लोगों ने भी एड किया द मास ऑफ जुपिटर इज कंपेयर टू वर्ट रेफरेंस क्या एड करेंगे कंपेयर टू द मास ऑफ अर्थ ओके द एयर इन साइड द रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ओके नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन द एर कंटेंट इन द रूम टू दर्ड नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन मोल में तो कितनी थ्री हो तो होता है और रूम में तो काफी मोल एयर होगी इसलिए वहां पर नंबर ऑफ मोलिक्यूल ज्यादा हो गए यहाँ पे सीधा रेफरेंस दिया गया है देखो द प्रोटोन इज मच मोर मैसेव द इलेक्ट्रॉन रेफरेंस आ गया इसलिए वो करेक्ट है उसमें रेफरेंस एड करने की जरूरत नहीं है यहां पे द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन आ गया लाइट स्पीड ऑफ लाइट मतलब कि रेफरेंस आ गया साउंड के रेफरेंस साउंड का स्पीड किसके रेफरेंस में बताया गया लाइट एंड बोथ दी आर करेक्ट अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन वापस आगे जाता एक नया यूनिट चेंज चूज किया गया लेंथ के लिए दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज यूनिट हमारी जो एस SI आई सिस्टम है एमके सिस्टम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट थ्री क्रॉस टू एट मीटर पर सेकेंड होता है लेकिन अगर मैं न्यू सिस्टम बनाता हूं तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट कितना हो जाता है यूनिटी यानी कितना हो सेकंड है दैट इज इक्वी टू वन मीटर पर, 1 मीटर पर सेकेंड इन न्यू सिस्टम बात क्लियर हुई ना हाइया ना चलो तो यहाँ पे क्या होगा वट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इन टर्म्स ऑफ विच यूनिट उ मच मिनट, एट मिनट एंड ट्वेंटी सेकेंड टू कवर आपको ऑलरेडी पता है ओके okay? मतलब कि सिंबल दिया स्पीड ऑफ लाइट के लिए अब न्यू सिस्टम के अंदर जो स्पीड है वो कितना हो जाता है यूनिट हो जाता है मतलब कि वो सी जो मिला था ना जिसको

से मल्टीप्लाई करेंगे ना? 480, 480 20 एटी फोर एटी प्लस ट्वेंटी मतलब वैल्यू ऑफ दिस में किसके अंदर एस आई के अंदर लेकिन यहाँ पे तो हम क्या लेने वाले उसके जगह पे वन लेने वाले हैं ना इसलिए यूनिट ऑफ डिस्टेंस फाइव हंड्रेड न्यू यूनिट उसने कवर किया होगा आया समझ में थोड़ा लॉजिकली है समझ लोगे तो इजिली आ जाए आ जाएगा हमने क्या किया कि ये थ्री क्रॉस्टू तो एट मीटर पर सेकेंड था पे वन सी यूज किया यूनिट वैल्यू यूज किया क्योंकि आपको बोला गया था कि नई सिस्टम बनानी है जिसमें लाइट ऑफ स्पीड कितनी हो वन हो यूनिट हो आया समझ में और इसीलिए हमने उसका वैल्यू बन ही रखा देखा स्पीड के अंदर सिर्फ टाइम का वैल्यू हमने मल्टीप्लाई किया एंड यू विल गेट द फाइव हंड्रेड यूनिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर अ मेजरिंग लाइन

तो मतलब जैसा में सबसे कम कम से कितना कर सकते हैं 1 mm. अब कि कि से उसके अंदर कितने हो मतलब कि वो 1 mm को 20 पार्ट तक करके कर सकता है तो वन अपॉइंट ट्वेंटी हाउ मच एम एम जीरो पॉइंट जीरो सेंटीमीटर में जाओ तो और एक जीरो लगाना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा जीरो पॉइंट ट्रिपल डबल जीरो Likewise, अगर मैं स्क्रू गेज की बात करूं तो उसमें भी सेम टू सेम आता बट स्क्रू गेज है ना राउंड वाला आता था, था पता है ना आपको फोटो बताया था ऐसे ओके उसमें राउंड में हमें सॉरी एक मेन स्केल होता है और राउंड के अंदर हमें वर्नियर स्केल या माइक्रो स्केल मिल जाता है ओके अब उसमें भी नंबर ऑफ डिविजन कितने दिए थे एक तो मेन स्केल होता है जो जैसे हमारा मेटर स्केल होता है वैसे ही होता है तो मेजर मिनिमम कितना हो सकता है वन एम mm, उसको अगर हम हंड्रेड से डिवाइड कर ले तो आपका आंसर क्या आ गया जीरो पॉइंट जीरो वन यानी कि एम एम और एक और पॉइंट चले जाए आगे तो सेंटीमीटर आया समझ में यस और नो लिस्ट काउंट ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो वेबलैंथ तक मेजर कर सकता है कहां तक मेजर कर सकता है लामडा कितना सेंटीमीटर है टेन एच टू माइनस फाइव सेंटीमीटर किसका ऑप्टिकल लाइट का ऑप्टिकल लाइट का अगर आपने देखा हो तो फोर हंड्रेड नैनोमीटर टू सेवन हंड्रेड नैनोमीटर ऐसा रखी देखा सॉरी अब 400 हंड्रेड एनोमीटर क्या होता है 400 हंड्रेड इंटू टेन एस टू माइनस नाइन मीटर टू माइनस निकाल दो फोर इंटू टेन रेस टू माइनस सेवन मीटर इंटू टेन एस टू माइनस सेवन प्लस टू कर दू। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर टेन एस टू टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना मुझे तो माइनस सेवन प्लस टू हाउ मच तो सबसे ज्यादा आया तो सबसे ज्यादा जो लिस्ट काउंट सॉरी सबसे कम लिस्ट काउंट है वो किसका है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर द मेजरमेंट जिसका सबसे मिनिमम लिस्ट काउंट हो सबसे कम से कम वो मेजर कर सकता हो उसका क्या आएगा एल सी मतलब की उसका प्रिसीजन क्या आएगा सबसे ज्यादा आए समझ में कोई डाउट कन्फर्म ओके स्टूडेंट्स कुछ थियोरिटिकल में छोड़ दूंगा हाँ करवा दो, शायद ये भी नहीं आएगा तो ओके okay, मैं करवा देता वाले यूज़ करते ने देखा होगा सिर्फ पिक्चर, कभी यूज किया नहीं होगा लेकिन समझ लो कि एक स्टूडेंट जो है वो माइक्रोस्कोप का यूज करके ह्यूमन हेयर का थिकनेस का मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा है माइक्रोस्कोप uh, okay, ऐसा है जिसका मैग्निफिकेशन कहां तक है हंड्रेड तक मतलब वो वन सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को हंड्रेड सेंटीमीटर का बताता है हंड्रेड मैग्नीफिकेशन का मतलब समझ में आया वो वन सेंटीमीटर हो तो कितना बताता है हंड्रेड सेंटीमीटर ही मेक्स अ ट्वेंटी ऑब्जर्वेशन एंड फाइंड दैट एवरेज वीर्थ ऑफ द हेयर इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ माइक्रोस्कोप इज हाउ मच मीटर थ्री मीटर वट इज एस्टिमेटेड थिकनेस ऑफ द हेयर उसको दिखने कितना मिला थ्री मीटर इसका मतलब ऐसा है कि वन मीटर होता तो हंड्रेड मीटर दिखने मिलता तो हंड्रेड मीटर दिखने मिला तो ओरिजिनल थ्री पॉइंट का हंड्रेड मीटर बताता हो। 100 का होता है हंड्रेड टाइम्स बताता है तो वन मीटर के लिए वो हंड्रेड बताता है मतलब या हंड्रेड मीटर दिखता है तो रियल में कितना होता है वन मीटर तो थ्री पॉइंट फाइव मीटर दिखा तो कितना होगा थ्री पॉइंट फाइव इंटू वन अपन 100. तो देखो थ्री पॉइंट फाइव को किससे डिवाइड करेंगे हंड्रेड या तो फिर मैंने अभी जैसे स्टेप सिखाया था वैसे एक्चुअली हंड्रेड दिखता है तो होता कितना है तो अभी थ्री पॉइंट फाइव दिखा तो कितना होगा तो थ्री पॉइंट फाइव अपन हंड्रेड बराबर ना ऊपर चला जाएगा तो अब एक्चुअली पे ध्यान देना आपके बुक में यहाँ पे अगर mm लिखा हो ना तो नीचे एम mm. एम और वहां पे मीटर दिखा हो वैसे mm ही आएगा क्योंकि मीटर में थोड़ी ना दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंदर बात समझ में आया तो mm ही आएगा और यहाँ पे mm लिखा हो तो नीचे mm. और वहां पे मीटर लिखा हो तो मीटर बट रियल में आना किस में चाहिए mm में माइक्रोस्कोप के अंदर यू आर गिवन अ थ्रेड एंड द मीटर स्कैल हाउ यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ थ्रेड ओके आपको एक मीटर स्केल दिया गया है और थ्रेड दिया है तो थ्रेड का डायमीटर कैसे मेजर करोगे मीटर स्केल दिया है और दूसरा क्या दिया है थ्रेड तो आपको लेंथ ऑफ थ्रेड नहीं फाइंड करनी है लेकिन क्या फाइंड करना है डायमीटर क्या फाइंड करना है तो आइडिया आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है मैं क्या करूंगा इोड़ ले लूंगा ऐसा उसके ऊपर थ्रेड थ्रेड को ऐसे रोटेट करूंगा पास 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 वो तो आता है ना आया ना तो एक काफी सारे टर्न्स बन के एक अरेन्ज हो जाएगी उसकी लेंथ कवर हो जाएगी तो ये लेंथ तो मुझे पता है और कितने टर्न्स हुए एक दो तीन मैं गिन सकता हूं आया ना अब टर्न्स में क्या होगा जैसे कि ऐसे एक टर्न बना तो थ्रेड का क्या आया डायमीटर आया फर्स्ट टर्न के लिए सेकेंड टर्न हुआ तो कितना हुआ दूसरा डायमीटर हुआ तो ऐसे करके करके हमने कितनी लेंथ कवर की है कितना क्या कवर किया है एन तो मैं बाय क्या करूंगा N. आया समझ में और उस तरह से मुझे क्या मिल जाएगा थिकनेस जो क्या होगा डायमीटर को इक्वल होगा स्ट्रिंग के लिए थ्रेड के लिए सो गिविंग अ स्ट्रिंग इज वाउंड ऑन अ पेंसिल मैं रॉड ले लिया या पेंसिल ले लिया पर्टिकुलर लेंथ की च दैट वे टर्न वेरी क्लोज टू इच अदर टाइटली पैक्ड वी गेट द नंबर ऑफ टन बाय द मेजरिंग विदैल लेट लेंथ ऑफ द लूप इज एल नंबर ऑफ टन देन लेंथ ऑफ इच टर्न इक्वल टू थिकनेस ऑफ इच टन कहने का मतलब एल बा यही थिकनेस आपके लिए क्या बनेगा डायमीटर जैसे वो आपने बैठ पे दोरी बांधते हो लाइकवाइज ओके सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है स्क्रू गेज हैज अ पिच पिच ऑफ वन एम एम एंड टू हंड्रेड डिविजन ओके वापस स्क्रू गेज यानी माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर मतलब ए वाला ए वाला ऐसा इंस्ट्रूमेंट था ना मैंने बताया था आप लोगों को थ्योरी पढ़ाते वक्त भूल गए हो तो वापस घर पे जाके सर्च करना वट इज माइक्रोमीटर एंड वॉट इज द स्क्रू गेज वन एम एम एंड टू हंड्रेड डिविजन ऑन अ सर्क्यूलर स्कैल डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्ूरेसी ऑफ स्क्रू गेज स्केल अभी कितने टू हंड्रेड क्या मैं अगर टू हंड्रेड इंक्रीज टू हंड्रेड को मैं अगर ज्यादा कर लू फोर हंड्रेड कर लू तो क्या मैं एक्यूरेसी को बढ़ा सकता हूँ वो पूछा गया है तो देखो बेटा लिस्ट काउंट क्या होता है पिच और नंबर ऑफ डिविजन पिच यानी कि सिंपल सा डिस्टेंस जो अभी हमने देखा था ना वन एम एम और उसके बाद हमने नंबर ऑफ डिविजन अभी किए थे रह, mm और थे इंक्रीज करता हूँ

क्योंकि अगर आप फाइव हंड्रेड सर्कुलर स्केल पे आपको 500 हंड्रेड डिवीजन बनाने हैं तो 500 हंड्रेड हंड्रेड जो डिवीजन है वो इक्वल 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 डिस्टेंस डिस्टेंस पे पे होने चाहिए जैसे सेंटीमीटर में mm, 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 कैसे equal -equal पे होते हैं अब उतने छोटे से राउंड में फाइव हंड्रेड डिविजन बनाना डिफिकल्ट है और बना भी दिए तो इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करना डिफिकल्ट है पहली डिफिकल्टी है दूसरा ऑल्सो देर आर अ मोर नंबर ऑफ डिविजन ड्यू टू दिमिटेशन ऑफ वॉट रिजोल्यूशन ऑफ आई डिविजन कैन नॉट बी सीन मानो कि मानो कि मैंने डिविजन्स बनाए दिख रहे हैं ना पक्का ना दिख रहे हैं ना बीच में गैप है डिवीजन दिख रहे हैं ना अब इतने छोटे डिवीजन बनेंगे अगर ज्यादा नंबर ऑफ बनाएंगे फिर डिवीजन आप अच्छे से देख पाओगे नहीं तो एक तो ऑब्जर्वेशन का दिक्कत आएगा बात क्लियर हो गई अब देखो एक कुछ ऐसे पॉइंट है मैंने इसलिए पढ़ा इस क्वेश्चन को क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी चीज थियोरी में नहीं आई इसलिए हमने कवर कर लिया

तो हंड्रेड वाला डेटा रिलायबल है मतलब ट्रस्टफुल है तो बट ऑब्वियसली जितना नंबर ऑफ हम एक्सपेरिमेंट ज्यादा करेंगे और उसका फिर एवरेज लेंगे तो वो वैल्यू हो सके उतना ट्रू वैल्यू के नजदीक पहुंच जाएगा आया समझ में तो वेन द फिजिकल इज क्वॉंटिटी रैंडम एरर इज प्रोड्यूस दिस कैन बी बोथ नेगेटिव एज वेल एज विथ टाइप पॉजिटिव ट्रू वैल्यू से ज्यादा होना या ट्रू वैल्यू से कम होना दोनों टाइप की एरर होती है पॉजिटिव या तो, तो, तो फिर नेगेटिव

लेकिन बढ़ जाएगा प्लस की वजह से या पहले माइनस मिले या तो फिर उतना ज्यादा नहीं मिले जितना मुझे हंड्रेड में मिलने वाला था हंड्रेड में मुझे क्या मिलेगा मल्टीपल प्लस नंबर मिलेंगे पॉजिटिव मल्टीपल नेगेटिव मिलेंगे जब हम समेशन करेंगे तो मानो कि जितना पॉजिटिव मिला है उतना नेगेटिव मिल जाएगा तो वो तो जीरो हो जाएगा तो रिजल्टेंट जो है वो मेरा क्या हो जाएगा कम जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने पांच बार एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे एरर मिले टू थ्री माइनस टू माइनस थ्री एन वन आया समझ में तो या वन की जगह पे फोर ले लेता हूं चलेगा फोर फोर की जगह पे फाइव ले लेता हूं ओके चलो तो एक दो तीन चार पांच पांच ऑब्जर्वेशन है इनका जब मैं समेन करूंगा तो टू माइनस टू कैंसल थ्री माइनस थ्री कैंसल फाइव डिवाइड बाई फाइव आंसर इज आया समझ में अब मानोगी मैंने दस एक्सपेरिमेंट किए माइनस नाइन नाइन माइनस एट सॉरी एट माइनस सेवन कितना हुआ सेवन छ हुआ ना माइनस सिक्स सिक्स आठ हुआ माइनस फाइव ओके फाइव बराबर कितना हुआ दस हुआ और इलेवन एक्सपेरिमेंट किए कितने एक्सपेरिमेंट किए इलेवन और जिसमें फाइव भी है तो हो गए इलेवन सारे माइनस सिक्स सिक्स कट माइनस फाइव फाइव कट माइनस नाइन माइन नाइन कट एट माइनस एट कट माइनस सेवन सेवन कट आंसर कितना है

डिडिंग बाय दिस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सॉरी डिवाइडिंग दिस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिजल्ट एंड एर विल बी एंड मेजरमेंट विल बी बिकम मोर एक्यूरेट जितना एर जो है वो कम हो जाएगा उतना रिजल्ट एंड सॉरी जो हमारा मेजरमेंट है वो क्या हो जाएगा एक्ूरेट बोलो को डाउट कन्फर्म आइया ना ओके बस ओके कल हम यहां से आगे बढ़ेंगे कल अब ज्यादातर थ्योरिकल नहीं है कल सब न्यूमेरिकल है ओके